आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ग्रीन स्किल चैप्टर में नेम टू टाइप्स ऑफ पोल्यूशन विच इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन दो टाइप के पोल्यूशन होते हैं एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन सेवंथ क्वेश्चन वट इज़ मेंट बाय द टर्म एनविरोन एनविरोन का मतलब होता है सराउंडिंग इसी शब्द से हमारा कौन सा वर्ड बना है इन्वायरमेंट एट्थ क्वेश्चन वट इज़ अनदर नेम फॉर एनवायरमेंट इन्वायरमेंट का दूसरा नाम क्या है ये बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं एन्वायरमेंट का दूसरा नाम होता है नेचर नाइन्थ क्वेश्चन वट इज़ मैंट बाय द टर्म नेचर नेचर का वहाँ मतलब इन्वायरमेंट होता है बट नेचर का मीनिंग क्या है सराउंडिंग दैट हैज़ पोटेंशियल ऑफ लाइफ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है लाइफ मिल सकती है दैट सराउंडिंग इज कॉल्ड वॉट नेचर टेंथ क्वेश्चन वट इज वट आर टाइप्स ऑफ इको सिस्टम बेस्ड अपॉन इन्वायरमेंट इको सिस्टम के टाइप बताने हैं इन्वायरमेंट के बेसिस पे इसमें दो कैटेगरी होती हैं पहली कैटेगरी है इको सिस्टम के टाइप्स बताने हैं इन्वायरमेंट के बेसिस पे तो वो तीन होते हैं ए टी ए आटा आटा इसकी शॉर्ट ट्रिक है ए टी ए आटा ए फॉर एक्वेटिक टी फॉर टेरेस्ट्रियल ए फॉर एटमोसफेयर एक्वेटिक मतलब वाटर बॉडीज टेरेस्ट्रियल मतलब लैंडस्केप और एटमोस्फेयर आप, आपका एयर एनवेलप हो गया एलेवंथ क्वेश्चन वट आर द टाइप्स ऑफ एन इको सिस्टम बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अभी हमने पढ़ा बेस्ड ऑन एनवायरमेंट इको सिस्टम के तीन टाइप होते हैं आटा एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एटमोस्फेयर बट इको सिस्टम टाइप्स और भी होते हैं ऑन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटी वो कौन कौन से इको सिस्टम है नेचुरल इको सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इको सिस्टम ओके okay, सो so यहां तक हमने ट्वेल्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर ली हैं आगे की वीडियो में आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम्स थैंक यू